नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के बंद उद्योग फिर से होंगे शुरू। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। सितंबर के अंतिम जनता दरबार कार्यक्रम में शिकायतों का लगा अंबार। गया में पिंडदान करने के लिए पहुंचे देश भर से तीर्थयात्री। बीएसएससी ने परीक्षा देने से चूके 1218 अभ्यर्थियों को फिर से दिया मौका। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। गया में पिंडदान करने के लिए पहुंचे देश भर से तीर्थ यात्री। मोक्ष नगरी गया में आज सुबह सुबह से ही पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां देश भर के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचे हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का गया में ही पिंडदान किया था, इसलिए अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए सनातन धर्म के लोग हर साल पितृपक्ष के समय गया में आते हैं। पितरों के पिंडदान के लिए सुबह से ही पावन फल्गु देवघाट समेत अन्य पवित्र स्थानों पर पिंडदान करते हुए लोग दिखे। बताते चले कि कोविड संक्रमण को लेकर सरकार ने इस बार मेला लगाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बस पिंडदान करने की इजाजत दी गई है। तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा के साथ ही 24 घंटे टोल फ्री नंबर की सुविधा को बहाल किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से आवश्यक तैयारियां को पूरा किया गया है। बिहार के बंद उद्योग फिर से होंगे शुरू। बिहार में कई उद्योग धंधे ऐसे हैं जो सरकारी उदासीनता के कारण सालों से बंद पड़े हैं। उनके चालू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे, साथ ही साथ राजस्व को भी फायदा होगा। ऐसे में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन इस तैयारी में है कि राज्य के जितने भी बंद पड़े फैक्ट्री बंद हो चुके हैं, उन्हें फिर से चालू करवाया जाए। बीते दिन भागलपुर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचने के क्रम में वे प्रेस वार्ता में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि इथेनॉल उद्योग से कई रोजगार सृजन होंगे, साथ ही साथ राज्य में जितने भी उद्योग बंद हो चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द चालू करवाया जाएगा और जो भी उद्योग चल रहे हैं उन्हें आगे अच्छे से चलाने के लिए कई टीम का गठन किया गया है, जो कि उनकी देखरेख करेंगे। सितंबर के अंतिम जनता दरबार कार्यक्रम में शिकायतों का लगा अंबार। आज सुबह इस महीने का अंतिम जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुना, खासकर कार्य महकमे से जुड़ी शिकायतों को सुना गया और इसका हल बताया गया। इस दौरान एक अजीबोगरीब मामला भी देखने को मिला, जहां गोपालगंज के एक बुजुर्ग शिक्षक ने अपने गाँव को उत्तर प्रदेश में शामिल करने की मांग कर दी। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला उनके गांव से महज 1 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए उसे यूपी में शामिल करना बेहतर होगा। इस मांग को सुनकर सीएम भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए, बाद में उन्हें अधिकारी के पास भेज दिया गया। कल से राजद का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राजधानी पटना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कल से शुरू होगा। इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए दक्षिण बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताते चले कि यह प्रशिक्षण शिविर 2 चरणों में आयोजित होगा, जिसका पहला चरण 21 और 22 सितम्बर को रहेगा। इसके बाद आगे की तारीख को जारी करके बिहार के बाकी के बचे जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, प्रखंड अध्यक्ष आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको बताते चले कि शिविर का आयोजन तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर किया गया है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर के लिए आने वाले सभी राजद पदाधिकारियों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था की गई है। राज्य में ताजा आंकड़ों में 13 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। बिहार में अब गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 13 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत सबसे अधिक मधुबनी जिले से 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मधेपुरा से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई। वहीं दूसरे राज्यों से बिहार आए 2 लोग भी कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 69 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.65% पर पहुंच गया है। अवैध बालू खनन मामले में आईपीएस राकेश दुबे के खिलाफ बड़े स्तर पर मिले सबूत। राज्य में अवैध बालू खनन में संलिप्तता पाए जाने वाले बड़े अधिकारियों के काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कार्रवाई के दौरान कई बड़े सबूत हाथ लगे हैं। जानकारी के मुताबिक भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे पर अवैध खनन समेत अन्य तरीकों से अवैध संपत्ति अर्जित करने को लेकर कार्रवाई चल रही है। इस दौरान बड़े स्तर पर सबूत मिले हैं, जिसके बाद अब राकेश दुबे की मुश्किलें और बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक मामले में ईडी की भी जांच चल सकती है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत यह मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। चार्जशीट दायर होने के बाद ईडी इस मामले को अपने अंतर्गत लेकर आगे की कार्रवाई करेगा, साथ ही इनकी सभी अवैध संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा।
जानते हैं अब बिहार के मौसम का हाल। सूबे में मानसून अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच गया है। कई जिलों में सुबह की शुरुआत कोहरे से दिखी। दक्षिण बिहार के कई जिलों में अहले सुबह धुंध का नजारा छाया रहा। यह नजारा शहरों के साथ साथ गांव में भी दिखा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में फिलहाल अधिक नमी है, जिससे सुबह के तापमान में गिरावट आने लगी है। मानसून अपने अंतिम चरण में है। हालांकि दिन का तापमान बढ़ने पर बारिश की स्थितियां बरकरार रहेगी। साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अक्टूबर के अंत तक कोहरे का असर दिख सकता है। बीएसएससी ने परीक्षा देने से चूके 1218 अभ्यर्थियों को फिर से दिया मौका। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वैसे छात्रों को एक और मौका दिया है जिनका डेटाबेस आयोग को नहीं मिल रहा था, जिसके कारण रिजल्ट भी जारी नहीं किया जा रहा था। बीते दिन वेबसाइट पर नोटिस दी गई है, जिसके मुताबिक 1218 अभ्यर्थी कुछ तकनीकी कारणों से छूट गए थे, इन्हें मौका दिया जा रहा है। इनकी परीक्षा के बाद नवम्बर के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। इन छात्रों को आज से लेकर 4 अक्टूबर तक bssc.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया है, जिसके बाद लिखित परीक्षा व अन्य परीक्षाओं को अक्टूबर तक में ले लिया जाएगा। फिर नवंबर तक फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीएड के लिए आवंटित कॉलेजों का ऑनलाइन कंफर्मेशन की चल रही है प्रक्रिया। राज्य के 342 बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए सफल अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेजों को कंफर्म करने की ऑनलाइन प्रक्रिया बीते दिन रविवार से ही शुरू हो चुकी है। इसके लिए अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेजों में ऑनलाइन कंफर्मेशन के लिए ₹3000 जमा करने होंगे। यह काम 25 सितम्बर तक चलेगा। इसके बाद अभ्यर्थी 22 से 29 सितम्बर के बीच संबंधित कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस दौरान साथ रखना होगा। बताते चले कि अभ्यर्थियों को इसमें किसी प्रकार का संशय हो तो वे आधिकारिक वेबसाइट bihar.cet.bihar.lnmu.in पर विजिट कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गंगा कोसी कटाव पर निगरानी रखने का दिया सुझाव। बिहार में दो महत्वपूर्ण नदियां गंगा और कोसी है, जो कि यहां के लोगों को बसाती भी है और तो दूसरी तरफ बाढ़ के दौरान जल प्रलय भी दिखाती है, जिससे जमीनों का भारी मात्रा में कटाव होता है और रहने लायक जमीन का क्षरण होता है। भागलपुर में खासकर इन दोनों नदियों के कटाव का असर दिख रहा है। इस कटाव को रोकने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने केंद्र और बिहार सरकार को सुझाव दिए हैं। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार सरकार के माध्यम से कटाव से बचाव की राशि उपलब्ध कराती है तो केंद्र सरकार भी इस पर सतत निगरानी करे। फ्लड फाइटिंग के तहत काम सही ढंग से नहीं हो पाता है और राशि का बंडरबांट कर लिया जाता है, जिसके कारण कटाव में सफलता नहीं मिल पाती है। इसे रोकने के लिए निगरानी को जरूरी बताया गया। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगा ली कोरोना रोधी वैक्सीन। बिहार में तेजी से 6 करोड़ लोगों को टीका देने के लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, टीकाकरण के मामले में बिहारियों की जागरूकता बढ़ी है। यही कारण है कि देश भर में इस मामले में रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बन रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन रविवार की देर शाम तक करीब 1.19 लाख लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया, जिसके बाद टीका के पहले और दूसरे दोनों डोज लेने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई। इसी के साथ बिहार में अब तक 4,07,30,821 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 93,36,037 को दोनों डोज दे दिया गया है। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। सरकारी नौकरी का लालच देकर लोगों को ठगने के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा हुआ है। यह ठगी रेलवे में नौकरी देने को लेकर की जा रही थी, जिसके तहत पटना से लेकर आगरा और हाथरस के छात्र शिकार बने हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की आर्थिक अपराध इकाई ने नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह के मास्टरमाइंड रागिब फिरोज को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ठग रेलवे बोर्ड के बड़े अधिकारियों के साथ अपने रिश्ते को बताता था, जिसके बाद इसके नेटवर्क के लोग छात्रों को फंसाते थे, फिर उन्हें ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर के बाद ट्रेनिंग तक दिला देते थे। गिरोह ने 40 छात्रों से 2,44,00,000 की रकम ठगी है। पटना के अटल पथ पर पहले फुट ओवर ब्रिज का किया गया उद्घाटन। लंबे समय के इंतजार के बाद आज पटना के अटल पथ पर पहला फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण कार्य फरवरी में शुरू हुआ था और 8 महीने के बाद यह बनकर तैयार हुआ है। बताते चले कि अटल पथ पर कुल 4 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाना है। पर ब्रिज का निर्माण महेश नगर के पास से कराया गया है, जिससे महेश नगर और श्री कृष्णपुरी के लोगों के बीच संपर्क सुलभ हो गया है। इस दौरान उद्घाटन करने के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अब जल्द ही ब्लॉक और कुर्जी नाला पर भी फुट ओवर ब्रिज का निर्माण काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावे पुनाईचक में मोहनपुर के पास भी फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की योजना है।
पटना एम्स के यूरोलॉजी विभाग में लगी नई लेजर मशीन। पटना एम्स में बीते दिन कई नई सुविधाओं का शुभारंभ किया गया, जिनमें से कई ऐसी मशीनें हैं जो कि पूर्वोत्तर भारत के किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में पहले से नहीं लगी थी। इसके तहत यूरोलॉजी विभाग में इन नई मशीनों को इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉल मशीनों में 120 वाट होल्मियम लेजर मोजेस तकनीक के साथ इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड मशीन, लिथोक्लास्ट मास्टर, 4K इंडोविजन सिस्टम, 4K रिकॉर्डिंग तकनीक वाली मशीन शामिल है। इन मशीनों के जरिए 4K विजन सर्जरी हो सकेगी, जिससे ऑपरेशन के दौरान अधिक खून नहीं निकलेगा, जिससे अधिकतर मरीजों को खून चढ़ाने की जरूरत भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, किडनी में पथरी का ऑपरेशन भी चंद मिनटों में ही हो जाएगा और अस्पताल से छुट्टी भी समय से मिल पाएगी। कोहली के आरसीबी के कप्तानी छोड़ने के बयान पर गौतम गंभीर ने किया रिएक्ट। विराट कोहली ने एक सप्ताह के अंदर दो टीमों की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। बीते दिन उन्होंने आईपीएल 2021 के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी को छोड़ने की घोषणा की। विराट के हुए इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अपनी बात रखी है। गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि हाँ, इस फैसले से मुझे हैरानी हुई है। टूर्नामेंट के दूसरे फेज से जस्ट पहले यह फैसला लेना, अगर आप चाहते तो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद यह फैसला ले सकते थे। इससे टीम थोड़ी अनसेटल और इमोशनल हो सकती है। अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो वह टूर्नामेंट के बाद भी ऐसा कर सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आईपीएल के इस सीजन के बाद से विराट कोहली का आरसीबी टीम की कप्तानी को छोड़ देने का फैसला सही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।